गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। क्लास सिक्स, आज हम लोग आपका जो नवोदय पेपर आपने इससे पहले विजिट किया है, फेस किया नवोदय एग्जाम, ठीक है, उसी नवोदय पेपर्स का हम लोगों ने मैथ सेक्शन यहाँ पे लिया है। आज उस मैथ सेक्शन को हम वन बाय वन करके उसके सारे डाउट्स जो है प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके यस। ये आपका 11 अगस्त 2021 को जो अभी नवोदय का पेपर हुआ, मींस कल, ठीक है, उस पेपर का फॉर्मेट यहाँ पे हमने लिया है और उन सारे क्वेश्चंस को आज हम क्लियर करेंगे जो आपके लिए डाउटफुल रहा होगा, कहीं दिक्कत किया होगा, उन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके विद द कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। वह कौन सी संख्या जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। ऐसे में जानते हो क्या करना रहता था, आप जानते हो 4, 8 और 6 तीन संख्याओं की बात की गई है, 4, 8 और 6। अब बेटा एक चीज तो आपको क्लियर है, जो संख्या 8 से कटेगी वो उसके गुणज 4 से भी कटेगी। इसका मतलब हम 4 से कटने की बात छोड़ दें, केवल हम ये चेक करें कौन सी संख्या 8 से कटेगी, क्योंकि जो 8 से कटेगी वो तो 4 से कटेगी ही कटेगी, है ना। और बात आती है दूसरा, यानी इसको हमें 8 से ही चेक करना है, 4 और 8 में केवल 8 से चेक कर लें डिविजिबिलिटी 8 की, है ना। अब बात कर लेते हैं जब 6 की, यानी कि 6 की बात आती है, तो इसको हम जानते हैं 2 और 3 बोथ से डिवाइड होते हैं, जो नंबर वो 6 से डिवाइड होते हैं, इसके फैक्टर 2 और 3 होते हैं। तो ऑलरेडी 2 इसमें इंक्लूड है, ओनली 3 आपका रिमेंस हो रहा है भाई, 2 तो ऑलरेडी इसमें है, 2 तो आपका इसमें 8 में ऑलरेडी लाई कर रहा है। तो इसका मतलब अब आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 एंड 3 चेक करना रहेगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 एंड 3। इतना क्लियर कर लो बस बेटा, कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 और 3 दोनों से डिविजिबल है, 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। सबसे पहले बात कर लो ऑप्शन नंबर ए की। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 9 + 3 = 12 + 6 = 18, यानी सम ऑफ द डिजिट की बात कर लेते हैं तो आता 18 है। चलिए ये तो सर 3 से डिवाइड होगा, क्या 8 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होता तो हम कह सकते हैं सर ये 6, 4, 8 और 6 का गुणज होगा, 8 से डिवाइड करके चेक करना होगा हमें। 3, 9, 6, 8, 4 = 32, 7 से यहां से 76 हो गया, 8, 9 = 72 और यहां से जो आपका रिमाइंडर होगा वो 4 होगा। मींस कहने का मतलब ये डिविजिबल नहीं हो रहा परफेक्टली, है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो आपका हो ही नहीं सकता, ये रॉन्ग हो गया, है ना। अब बात कर लो ऑप्शन नंबर बी की, क्या ये 3 से डिविजिबल है, 6 + 6 = 12 + 4 = 16, सम ऑफ द डिजिट ऐड करने पर देखा जाता है 16 आता है, तो ये तो सर 3 से डिविजिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 8 से बात ही खत्म होगी, 8 से चेक ही नहीं करेंगे, दोनों से डिविजिबल होना है हमें। अब बात कर लो थर्ड ऑप्शन की, सी की, 6, 9, 6 ये नंबर है, ऐड करो 9, 6, 15 और 6, 21, सम ऑफ द डिजिट 21 आ गया, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से तो 8, 8 = 64, उसके बाद यहां से 5 रिमेंस होगा, 56 हो जाएगा 5 से, और हो जाएगा 8, 7 = 56, कहने का मतलब 8 से डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 87, मतलब डिवाइड हो जाएगा 8 से। इस तरह से हमने देखा क्या कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो परफेक्टली डिवाइड हो रहा है बाय 3 and 8 बोथ, सो वी कैन से दिस इज द मल्टीपल ऑफ 4, 8 and 6 ऑफ ऑल द 3 नंबर। ओके, यानी हम कह सकते हैं सर ये तीनों संख्याओं का गुणज है 4, 8 और 6, यानी कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता, कुछ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस सर, सी ऑप्शन नंबर सी, यस, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, सी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, बिकॉज ये वही संख्या है जो 8 और 3 दोनों से विभाजित होगी, किससे, 8 और 3,
आठ और तीन से जो विभाजित होगी वो चार आठ और छह तीनों से विभाजित होगी। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में छह शेषफल देती है। आप जानते हो क्या है, अगर इसमें अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके लिए केवल आपके पास एक ही तरीका ऑप्शन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें इसी में से एक कोई नंबर सर्च करना है, कोई एक करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, तो ऑप्शन का ही यूज करेंगे। सौरभ कनौजिया, सचिन चौहान, दिव्या, अनुप्रिया, इन सब लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखा है, पहले वीडियो ऑन कीजिए सर लोग। अनिल मौर्य, यस सर, इन्होंने कहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने प्रत्येक अवस्था में छह से सफल है, तो भाई पहले हम ऑप्शन नंबर ए से ही स्टार्ट करेंगे। ए में दिया गया है 12, 270 को भाग दे दो, प्रत्येक अवस्था में छह से आना चाहिए, तो 12 दुना 24 होता है, यहाँ से 3 रिमाइंडर आएगा, ये 330 हो जाएगा, तो 12 दुना 24 दूसरी बार जाएंगे तो 6 ही तो आएगा शेष यहाँ पे। इसका मतलब अगर 270 को 12 से भाग देंगे तो 6 शेष आएगा। चलो दूसरी संख्या को भाग दे देते हैं 12 से, 426, 12 तीन 36, 6 फिर यहाँ 6 से 66 हो जाता है, और 12 पंच 60, यहाँ भी शेष आपका 6 ही आता है। इसका मतलब और कोई ऑप्शन चेक ही नहीं करना था आपको, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाता, राइट ऑप्शन हो जाता। ओके, बस समझ में आ गई। इसमें 42 नंबर क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, ऑप्शन नंबर ए सर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था थर्ड वाला, इसको आई होप सारे बच्चों ने किया होगा, कोई ऐसा नहीं कि जिसने छोड़ दिया होगा इसको, है ना, और करेक्ट किया होगा। ऐड करना था जिसमें कहना है 7.7, 7.07, 7.007 और 77.0077। तरीका यही है कि पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट को पुट करते हैं बस, और कुछ नहीं। यहाँ जीरो इंक्रीज कर लो, जहां कुछ नहीं है डिजिट वहां जीरो जीरो कर लेते हैं बस। अब ऐड कर लो 7.78474, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता 98.7847। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, बी, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता। ओके, तो आई होप सारे स्टूडेंट ने इसको किया होगा। यस यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें कह रहे हैं पहले मल्टीप्लाई करना, बाद में फिर एडिशन सेंटेंस दिया गया था, जिसमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है 3.003 मल्टीप्लाइड बाई 15। चलो इसी को सॉल्व कर लो, थोड़ा सा पहले से क्या करेंगे इसी को क्लियर कर लो। 15 3 45, 15 0 0 4, 15 0 0, 15 3 45, कुल मिला के आंसर आ जाएगा 45.045, इसका मल्टीप्लाई करने पे इतने का। इसी में ऐड करने की बात कर रहे हैं, ये ऐड कर लो, इसी में क्या ऐड करना है, इसमें 0.0123 और क्या ऐड करना है 5.00, ओके, तो बात करते हैं जब ऐड करते हैं तो ऐड करने पे आएगा क्या, देखिए 5 7 5 3 8 2 2 4 5 9 and 1 4 5 and 0 and 5 5 10 to 0 4 1
5। कहने का मतलब आंसर जो आपका आएगा 50.059875 ये आएगा, लगभग किसके है ये लगभग आपका 50 के बराबर है, 51 के बराबर तब होता है जब 50.5 से ज्यादा वहां पे कुछ होता, 50.67 या 89 कुछ समथिंग होता तो हम कह सकते हैं 51 के लगभग है। लेकिन ये 50.05 है इसका मतलब 50 के लगभग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसके लिए करेक्ट हो जाता, ऑप्शन नंबर सी। सी तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत ही इजी था, जिन स्टूडेंट ने 24 आवर फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उनके लिए बहुत ही इजी था। करना क्या था इसमें, सुबह 8:15 पर गाड़ी वहां से छूटी थी दिल्ली से, और 2:30 दोपहर में अजमेर पहुंचती है, लगा समय निकालना था, पहुंचने में लगा समय। तो देखो 2:30 जो पीएम था इसको 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो 12 इसी में और ऐड कर देते थे, तो 12 ऐड करेंगे तो 14:30 आवर ये हो जाएगा। और जो आपका 8:15 था AM को डायरेक्ट 24 आवर फॉर्मेट में डायरेक्ट वही नोट कर दिया जाता है, उसमें कुछ नहीं ऐड वर्ड करते हैं, ये हो जाएगा। लगा समय निकालना है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, 30 में 15 जाएगा 15 आ जाएगा यहाँ पे, 14 में 8 जाएगा 6, कहने का मतलब 6 आवर 15 मिनट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ऑप्शन नंबर बी, 6 घंटे 15 मिनट। बी 6 घंटे 15 मिनट इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता, 15 मिनट। यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने कहा एक मैच का कुल आधा घंटा चलता है, तो आधा घंटा मतलब देखिए इन्होंने कहा आधा घंटा चलता है, हाफ आवर चलता है, इसका मतलब हाफ आवर को हम 30 मिनट भी तो लिख सकते हैं भाई, आधे घंटे का yes, मतलब 30 मिनट, तो 30 मिनट कुल मैच चलता है, उसमें इन्होंने कहा इसका 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है, तो कितना समय टाइम आउट का होता है, तो इसी 30 मिनट का 1/10 निकाल लो, और क्या 30 मिनट का 1/10 हमने निकाला, 10 या 30 कुल मिला के 3 मिनट आ गया आंसर, यही करना था इसमें, आंसर क्या आ जाएगा 3 मिनट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता, यस सर बी, बहुत इजी था मैथ का पेपर, मुझे मेरे हिसाब से तो सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं था, 1-2 क्वेश्चन छोड़कर कि जो आप लोगों से ना हो और आपने उसका प्रैक्टिस ना किया हो, है ना। यस सर ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट हो जाता, अनिल ने करेक्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा था लेकिन इतना भी टफ नहीं था कि आप लोग ज्यादा सोचते, थोड़ा सा कैलकुलेशन था बस सर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये थोड़ा सा आपको स्क्वायर होना क्लियर होना चाहिए था, जैसे एक्स इंटू एक्स करते तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्स स्क्वायर हो जाता और ये यहाँ चला जाता तो 25, यस सर 196, यहाँ से स्क्वायर हटाते तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाता, तो 25 × 196। आप जानते हो 25 का जो अंडर रूट होता है वो 5 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, और 196 का अंडर रूट होता है 14, यानी 196 का वर्गमूल 14 होता है, 14 का 14 से बार गुणा करेंगे तो 196 हो जाएगा, ठीक है। यस सर, यानी आप x की वैल्यू की बात करें तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर हो गया 70 14 5 14 5 70। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता, बी, ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाता, और अनिल ने किया भी है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, जो डिस्कस किया जा रहा है समझ में आ रहा है। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा एक बस तो 7500 में खरीदी जाती है, 7500 में खरीदी गई और बेच दी गई 8400 में, तो इसमें देखिए सीपी दिया था, खरीदने को बोलते हैं सीपी, 7500 रुपए में खरीदी गई थी, बेचा गया है उसको 8400 रुपए में,
आप बताइए प्रॉफिट होगा ना उसको, ज्यादा बेच दे रहा है ना। यस सर, 900 रुपए का। तो प्रॉफिट की बात कर लो, 900 रुपए भाई, 900 रुपीज, 900। इसमें से एसपी माइनस सी 8400 में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 900 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट तो 900 अपॉन सीपी, सीपी मतलब कितना था, 7500, 7500, और ये मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया। यहाँ से डबल जीरो डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। अभी क्या करना था, आप करोगे 75 75 75 का 12 बार जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 900, कहने का मतलब 12% का उसको लाभ हुआ है। कितने का, 12% का, 12%। ऐसे में 12% जो प्रॉफिट हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी के लिए करेक्ट हो जाता, ठीक है। ये सारी चीजें कराई गई, ऐसा है नहीं कि पहली बार आप लोग देख रहे हैं। ये थोड़ा सा था, इसको भी समझने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलो बात कर लेते हैं। 49, इन्होंने कहा एक रेडियो है जो उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है ए एक रेडियो को। भाई अंकित मूल्य कितना था, मान लेते हैं एमपी उसका मार्क प्राइस था एक्स, एमपी उसका एक्स था मतलब उसमें लिखा हुआ था, तो उसने खरीदा कितना ए ने, ए ने उसका 3/4 ऑफ एक्स दिया, मतलब वो 3/4 एक्स रुपए में खरीदा, जितना लिखा होता लिखा था उतना नहीं दिया उसने, उसने उससे कुछ कम दिया, 3/4 एक्स दिया, और ले जाकर उसे 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया है। फिर से इसने बेच दिया, तो बेचने का मतलब एसपी अगर इसकी बात करें तो एसपी जानते हो कितना, एक्स का इतने का खरीदा था, कितने का खरीदा था, नहीं अंकित मूल्य से, हाँ इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, जितना लिखा था इसका मार्क प्राइस उसका प्रॉफिट उस पे 20% का प्रॉफिट लेता है, अपने खरीदने वाले पे नहीं, इस अंकित मूल्य से। तो अंकित मूल्य कितना था इसका, एक्स था भाई, इसका 20% प्रॉफिट ले लेता है, तो एक्स मान लीजिए 20% इसे मैं ऐड कर दो, डायरेक्ट कर दिया हूँ, चलो मैं हटा देता हूँ, कैसे बताया, एक्स रुपए में तो खरीद इसका वो था मार्क प्राइस, इसी का 20% और ऐड कर दो इसी में, इतने में बेचा है वो, समझ में आ गई बात, इतने yes, sir. अब इसको ऐड करोगे तो 120x डिवाइड बाय 100, या इसको और सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 5560 और कुल मिला के 0 0 कैंसिल और 6/5x इतने तो बेचा है। अब ये बताओ सीपी क्लियर एसपी क्लियर, अब क्या निकालना भाई, निकालना तो हमें लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए इस एसपी से सीपी को माइनस करो, यानी प्रॉफिट अगर निकालना है तो प्रॉफिट मतलब होता है 6/5x माइनस का 3/4x, ये पता चल जाएगा कि इसने इतना रुपया लगाया था और इतने में बेचा है तो प्रॉफिट कितना मिला इसको, 20 24 15, बात समझ में आ रही है, यस बेटा आप लोगों को बात समझ में आ रही है, अगर कहीं कोई पॉइंट ना क्लियर हो तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। 24 में से 15 जाएगा कितना आएगा, 9 ये तो सर प्रॉफिट आया, ये हमने निकाला क्या, प्रॉफिट, जब प्रॉफिट निकाल लिया तो प्रॉफिट परसेंट निकालने में क्या डाउट है, प्रॉफिट परसेंट भी निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट 9x/20 ये प्रॉफिट था, और प्रॉफिट कभी भी जब भी प्रॉफिट की बात करोगे या लॉस की बात करो तो सीपी पे देखा जाता है, सीपी इसका 3/4 ऑफ एक्स था और यहां मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो करेंगे क्या,
भाई इसको एक्स एक्स कैंसिल कर सकते थे, नहीं समझ में आ रही है बातें तो मैं और एक स्टेप करके दिखाता हूँ। आप 9x/20 ऐसे लिखे रहने दो, ये पलट के जाएगा तो 4 ऊपर जाएगा और 3x नीचे रह जाएगा, और गुणे 100 तो चल ही रहा था। x कैंसल, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 यानी 3 × 3 = 9, 4 × 4, 4 × 5 = 20 मिला के, 5 × 5 = 20, 5 × 5 = 100, चाहे जैसे काटो आएगा 60%। काटना आपके ऊपर डिपेंड करता है सिंपलीफाई कैसे करते हो, लेकिन सॉल्व करने पर क्या आता, 60%। बातें समझ में आ गई? यस सर। इसका मतलब 60% का लाभ हुआ था। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होता है इसके लिए? सी। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी। ओके यस सर। यस सर। चलिए, इन्होंने कहा 50 नंबर, मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन शायद कल रॉन्ग किया, इसके मतलब रॉन्ग मतलब एग्जैक्ट तो किसी के साथ नहीं मैच कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी निकटतम में आएगा उसके, ठीक है? यस सर, सब मेरा करेक्ट है, सब मेरा करेक्ट है। अगर आप दिए तो मैंने सी ही लग रहा है। आप देखना चाह रहे हो कि मतलब कौन सा एग्जैक्ट मैच करेगा, तो एग्जैक्ट कोई नहीं, निकटतम की बात किया तो निकटतम में ऑप्शन नंबर सी आ सकता है। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। 349 / 51 और प्लस का इसी में दिया गया 632 / 31। अब ऐसे में करना क्या, पहले इसका गुणा कर लो चाहे तो, उसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। 51 और 9 का गुणा करेंगे, कल मैं गुणा करने में ही गड़बड़ कर दिया था। 51 और 9 का गुणा करेंगे तो 359 नहीं होगा, 459 होगा, मैंने 359 कर दिया था। देखना, वीडियो देखे थे ना? यस सर देखे थे। यस सर देखे थे, सब देखे थे। तो उसमें 359 मैंने बोल दिया था, 51 और 9 का 459 होगा, जिसमें 9 आएगा और 41 आएगा आपका, सॉरी 45 आपका फॉरवर्ड कैरी नहीं हासिल हो जाएगा। 51 और 4 का अगर गुणा करेंगे तो 204 हो जाएगा, और 45 उसमें और जुड़ जाएगा तो 249। तो यानी 249 का मतलब हुआ 24 इसमें फॉरवर्ड कैरी बचेगा। 51 और 3 का गुणा करें तो 153 होगा, 153 और 24 कितना, 177। कहने का मतलब 17,799 इधर आएगा और इधर 20.03 समथिंग ऐसे आएगा। 3 और कुछ भी आएगा उससे नहीं मतलब, बस इतने से निकटतम मान की बात करो तो इसमें 20 और जोड़ देंगे तो 17,819.03 समथिंग आएगा। लेकिन क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं ना, ऑप्शन अभी भी नहीं मैच कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन मैंने रॉन्ग कर दिया था तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो, थोड़ा सा मैंने देखा था अभी भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ निकटतम की बात कर रहा है तो ऐसे में 17,819 किसके ज्यादा करीब है इस ऑप्शन में। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सही करेंगे, और ऐसे कोई इसके लिए करेक्ट आंसर नहीं होता, लेकिन ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसके ज्यादा निकट है, 17,821 के निकटतम, ठीक है? बात समझ में आ गई? यस सर। यहाँ पे अनिल का एक ये रॉन्ग हुआ था, बाकी मुझे अभी तक कोई रॉन्ग नहीं दिखा है ना सर, हम पहले से कर दिए थे सर, हमारा भी ऐसे आ रहा था तो 349.50 सर, हम पहले ही कर दिए थे सर उसे राउंड ऑफ, 349.50 कर दिए थे और 51 को 50 कर दिए थे और 332 को सर, 632 को 630 कर दिए थे, इसलिए सर वही आंसर आया था। नहीं ऐसा नहीं करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे बाद में, जो आएगा उसको राउंड ऑफ करेंगे, पहले तो कैलकुलेशन करेंगे जो दिया जाता मेरे। चलिए अभी 6 मिनट है, अगर
हमारे पास तब भी 10 मिनट का टाइम रहेगा, तो हम फिर से रिज्वाइन करेंगे, ठीक है? इसको मैं क्लियर कर दूंगा सारी चीजें। यस करें। एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। अब आपने कहा सर 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, तो मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल स्टार्टिंग में कितना था, एक्स था। 16 वर्ष बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 16 वर्ष बाद जब अमाउंट फॉर्म होगा वो 2x होगा, दोगुना हो जाएगा प्रिंसिपल का, 2 times। अब तो ऐसा ही हमने कहा कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 2x माइनस का x और बचेगा x, बराबर है। SI कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट x का। एक्स निकालना क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, जिसमें होता है SI इंटू 100 डिवाइड बाय p इंटू t। SI मतलब कितना, x आया और 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और डिवाइड बाय p मतलब कितना, x ही तो हमने माना है प्रिंसिपल, और टाइम कितना 16 वर्ष का बात किया है। x x कैंसिल हो गया, 100/16 का मतलब हो गया 16 96 और 4/16 कुल मिला के, थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे, 4 * 4 = 16, 6 सही 1/4 अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहा यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और तथा 12 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज का परिमाप है, ये भी आपका राउंड हो गया था अनिल, क्यों? क्योंकि इसकी लंबवत भुजाएं दी गई हैं 5 और 12, ये 5 और है ये 12, तो ये कर्ण कितना होगा, इनके वर्गों के योग, इनके वर्गों का योग और फिर उसका वर्गमूल योग के बराबर है। 12 कहने का मतलब ये 25 और ये 144 जोड़ेंगे तो 169 आएगा, और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 13 आएगा। कितना आएगा, ये 13, यानी 13। अब इन्होंने कहा परिमाप, लेकिन ये इन्होंने ही पूछा था, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप की बात किया तो जोड़ लो सारे को, परिमाप 13, 5, 18 और 12, 30 होता है, 30 सेंटीमीटर। सारी भुजाओं का योग जो आएगा वो 30 सेंटीमीटर, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाता। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा दिया है, थोड़ा सा अलग तरीके से दे दिया गया है, ऐसा नहीं कि आपने इसको पहले किया नहीं था, बट रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से किया गया था, थोड़ा सा चीजों को हमें खुद से समझना चाहिए था यहाँ पे, ये था। बाद में इन्होंने जो पूछा वो अलग चीज है, पहले हम देखो इसे को सिंपलीफाई। क्या पूछा इन्होंने, डिवाइड बाई 1.8, मतलब 18 से लगभग भाग देने की बात कर रहे हैं, तो भाग हम देकर देख लेंगे क्या आता है। अगर मैं इसे भाग दे दूं यहाँ से डायरेक्ट, तो 2772 ये 18 जाएगा डिवाइड में, और तब इधर क्या बचेगा, 154। बात समझ में आ गई? यस। अरे वही yes, ये इधर मल्टीप्लाई में दैट साइड ट्रांसफर हुआ, डिवाइड में हो गया, तो इसके इक्वल टू क्या चलेगा, 154। अब क्या पूछा इन्होंने, तो इन्होंने पूछा था 27.72 डिवाइड बाई 1.8 यानी कि 1.8 बराबर क्या होता है भाई, ये बताना है। तो थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें, एक अंक का दशमलव हटा दें, तो यहाँ से 27 क्या 277.2 हो जाएगा, और बटे में 18 हो जाएगा। इससे क्या मैच कर रहा है, यहाँ और यहाँ में केवल अंतर इतने का है कि यहाँ दशमलव नहीं है, यहाँ लगा हुआ है, तो एक अंक के बाद हम यहाँ भी प्रोडक्ट में भी लगा देंगे। जीरो भाई, एक अंक के बाद दशमलव लगा तो भाग करते समय जब भी हम लास्ट में जाके एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 154 ही आएगा, लेकिन दशमलव लग जाएगा एक अंक के बाद, तो कुल मिला के 15.4।
मतलब दो अंक के बाद इधर से, और दाएं से अगर आएंगे तो एक अंक के बाद। 15.4 आता आंसर। कौन सा आंसर होता? 15.4। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता? बी, बी ही राइट आंसर हो जाता। तो बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। आप भाग देकर देखते तभी यही आता, 18 से 270.2 में भाग दोगे तब भी 15.4 आएगा, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कितना आने वाला है, 154 ही आएगा। बस चीजें अलग है कि दशमलव थोड़ा सा इधर उधर होगा, वही चीजें हमें समझना चाहिए था। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था, मैंने जल्दी से इसमें बता दिया है। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 है। उसका जो 24 पारियों में रनों का औसत है वो 28 रन है। वह 25वीं पारी में कितना बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए? अब मेरी बात सुनो, आप जब भी औसत की बात करते हो तो देखो औसत, मैं बता दूं फार्मूला क्या होता है। औसत की बात करते हो तो कहते हो सर कुल रनों का योग बटे में कुल पारियों की संख्या। किसी भी औसत का बात करें तो उसमें कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या।